उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि गोरखपुर में निकाय चुनाव के संबंध में प्रत्याशियों से उनके समस्याओं को जाना गया है और उनसे बात की गई है। गोरखपुर जिला मुख्यमंत्री का जिला है, यहां पर निकाय चुनाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड को चेक किया गया है, कोई भी कमी नजर नहीं आई है और कुछ कमी है तो उसके निस्तारण के लिए जनप्रतिनिधियों से प्रार्थना पत्र ले लिया गया है जिसका निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह जिले स्तर पर मीटिंग बुलाकर उनके साथ बैठक कर ले और उनके समस्याओं को निस्तारण करें। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के जिले में कोई कमी नजर नहीं आई है। उन्होंने पिछड़ा आयोग का गठन इसलिए किया है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका हक मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। जिले में 50% निकाय चुनाव में आरक्षण दिया गया है जो कि ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाया जा सकता है। इसके अलावा सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने कहा, अभी आपके सामने हमारा आयोग कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आया और जनता के प्रतिनिधियों व अन्य लोगों से विचार विमर्श किया। ये जनपद माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है और हमने सभी रिकॉर्ड देख लिया, किसी भी प्रकार की कोई भी संगति नज़र नहीं आती। थोड़ी बहुत अगर है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र ले लिए गए हैं और हम डीएम साहब से कहेंगे कि वो एक मीटिंग बुलाएं पब्लिक की, जिसके बारे में जो समस्याएं हैं उनके हल करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री जी के जनपद में किसी प्रकार की भी कोई विसंगति या किसी प्रकार का कोई परेशानी नज़र नहीं आई। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आयोग का गठन किया ताकि ओबीसी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले और ठीक प्रकार से उनका उनकी रक्षा अधिकारों की रक्षा हो सके। और मेरा ख्याल से किसी प्रकार की भी विसंगति नहीं है। 27% से अबव ही सबका रिप्रेजेंटेशन है जो मैक्सिमम है, सबसे अधिक इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। 50% जन सब रिजर्वेशन से ऊपर नहीं जा सकता। किसी प्रकार के आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछिए। हाँ, बताया है, वो भी बताया, सब नोट किया। हमने प्रार्थना पत्र भी ले दिए, किसी भी तरह की शिकायत है, और डीएम साहब, कमिश्नर साहब यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने भी सुना, आपकी समस्याएं हल करेंगे वो, किसी भी तरह की होगी। मेरा ख्याल कोई समस्या और तो नहीं लगती। लिखित में प्राप्त कर ली गई हैं उनकी शिकायतें, उनका ध्यान दिया, लिखित में प्राप्त कर ली गई हैं और उनका निराकरण भी होगा। डीएम साहब से बात करेंगे, डीएम साहब को मालूम भी हो गया, वो वर्कशॉप करेंगे, वर्कशॉप में पब्लिक को बुलाएंगे और मीडिया वालों को बुलाएंगे और आपकी समस्याओं को हल करेंगे। आपत्तियों पर कौन सी वाली आपत्ति? हाँ, आपत्तियाँ ले ली गई हैं और डीएम साहब से बता रिक्वेस्ट कर लेंगे कि वो इसका निराकरण करेंगे। ठीक है, थैंक यू।